इन दिनों दुनिया में किस तरह के हालात बने हुए हैं ये तो आप सभी जानते हैं। भारत और चीन के बीच लगातार तनातनी जारी है, वहीं पाकिस्तान भी आए दिन अपनी नापाक हरकतें दिखाता रहता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर आए दिन एक ना एक वीडियो, तस्वीर या मैसेज वायरल होते रहते हैं जो बेकार चल रही परिस्थितियों में और बवाल बढ़ाने के लिए आग में घी डालने जैसा काम करते हैं। हाल ही में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में। वीडियो में एक शख्स दूसरे शख्स की बेहमी से पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। पास में पीली टी शर्ट पहने एक और शख्स खड़ा है जो न मारने वाले को रोक रहा है और ना ही मार खाने वाले को बचा रहा है। वो दोनों को देखता जा रहा है और एक शख्स दूसरे शख्स को बेरहमी से मारता जा रहा है। मार खाने वाला शख्स गुहार लगा रहा है कि मुझे मत मारो। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर किया है जाइडू नाम के एक ट्विटर यूज़र ने, और इस वीडियो को शेयर करते हुए यूज़र ने लिखा है कि कराची में नकली पेट्रोल बिल जमा करने के लिए पाकिस्तानी ड्राइवर की पिटाई करता चीनी इंजीनियर वीडियो में कैद हुआ। CPC के तहत पावर चाइना गांसू एनर्जी कंपनी के इंजीनियर पाकिस्तान आए थे। मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, हमें इस व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इस वीडियो को सच मानते हुए कई लोगों ने इसका सपोर्ट किया और इंसाफ की गुहार लगाने लगे। लेकिन क्या है इस वीडियो की सच्चाई? क्या ये वाकई अभी का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? हम आपको बताते हैं, दरअसल ये वीडियो आज का नहीं है, ये साल 2016 का वीडियो है। 27 नवंबर 2016 को सोशल मीडिया पर आने के बाद इस वीडियो को कई बार अलग अलग ट्वीट्स के साथ लोगों ने ट्वीट किया है, जिससे ट्विटर हैंडल जाइडू से ये पोस्ट हाल ही में किया गया है। वो हमेशा ही फेक पोस्ट डालता रहता है। ये वीडियो मलेशिया की बताई जा रही है। इसमें एक पीले टी शर्ट पहना शख्स बैरिश 5 की टी शर्ट पहना नजर आ रहा है, और ये उस समय मलेशिया में निकाली गई एक रैली की टी शर्ट है जिसे निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निकाला गया था, और ये साल 2016 की बात है। ये वीडियो पुराना है और साल 2016 में सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो चुका है। ये वीडियो कराची का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साल 2016 की कुछ खबरों को देखा जाए तो बहुत सी मलेशिया न्यूज़ एजेंसी ने भी इस खबर को अपनी रिपोर्ट में दिखाया था, जो साबित करता है कि ये कराची का वीडियो नहीं है और पुराना वीडियो अभी चलाकर भ्रामक खबर फैलाए जाने की कोशिश की जा रही है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.